जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना प्रभा साक्षी के दर्शकों को करती हूँ अभिवादन और आप सभी का स्वागत है प्रभा साक्षी में। 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक ये एक ब्यौरा देने जा रही हूँ मैं एस्ट्रोलॉजिकल और जो घटनाएं होने वाली हैं इन दिनों में। तो आइए चलिए जानते हैं क्या होने वाला है 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। 15 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, मतलब अपनी उच्च राशि में, सुबह 11:01 पर फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन संकष्टी चतुर्थी है, संकट चौथ का व्रत रखते हैं लोग और रात को व्रत छोड़ते हैं गणेश जी का चंद्रमा देखकर। तो चंद्रमा रात को 8:23 पर उदय हो रहे हैं और इसी दिन मिथुन लगन और कन्या लगन वालों के लिए खुशखबरी है कि बुध उदित हो रहे हैं। वैसे बता दूं कि बुध इन दिनों मंगल के साथ चल रहे हैं तो काफ़ी अस्वस्थ हैं मिथुन लगन और कन्या लगन वाले लोग, तो बुध के उदित होने से बुध की पावर बढ़ेगी। 16 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात को। वृश्चिक राशि में पहले से ही शुक्र मौजूद हैं वहाँ पर, उस वजह से थोड़ा सा 4 दिन झेलना पड़ेगा आपको जब तक शुक्र धनु राशि में नहीं चले जाते। तो शुक्र के घर से सूर्य के निकल जाने के कारण जो नीच के सूर्य बने हुए थे उससे मुक्ति मिलेगी तुला राशि को और कई राशि वालों को इससे मुक्ति मिलने वाली है, मतलब कि उनका अलग अलग प्रकार से भला होने वाला है। 19 तारीख को मासिक कालाष्टमी है, काल भैरव जयंती है। 20 तारीख को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 8:11 पर और सूर्य के शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण बेचैनी हो सकती है। सरकारी दरबारी कामों में अपने कागज़ पत्र वगैरह संभाल के रखिएगा और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना हो इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हड्डी स्कल आँखें और स्पाइन और आपके कहते हैं ना जितनी भी बातें हैं आपके माइंड से रिलेटेड आत्मा से रिलेटेड उनका ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल वगैरह चढ़ाते रहिएगा। तुला राशि मकर और कुंभ राशि वालों को नहीं चढ़ाना है और वृषभ राशि वालों को नहीं चढ़ाना है। इसी दिन सुबह 8:11 पर बुध मार्गी हो जाएंगे, तो ये एक और न्यूज़ है मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए और सभी राशि वालों को कहीं ना कहीं राहत होगी। 21 तारीख को शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 12:22 पर। अब मज़ेदार बात यह है कि सूर्य और शुक्र एक ही नक्षत्र में रहेंगे तो आते कई दिनों तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 22 तारीख को उत्पत्ति स्मार्त एकादशी है, 23 तारीख को उत्पत्ति भागवत एकादशी है और 24 तारीख को मासिक प्रदोष है, जो व्रत रखा जाता है आप अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं शिव जी का और शिव जी की आराधना की जाती है इसमें। 25 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और अमावस्या लग जाएगी रात्रि 10:40 के बाद। 26 तारीख को यही अमावस्या रात्रि 8:35 तक रहेगी। 27 तारीख को देव दीपावली है, तो इसके बाद दीपावली का त्यौहार खत्म हो जाएगा। 30 तारीख को विनायक चतुर्थी है। तो आइए जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि वालों का क्या हाल रहेगा इस सप्ताह में। उलाढाल ये है, बुध उदित हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, सूर्य वृश्चिक में है और शुक्र अनुराधा में जा रहे हैं, सूर्य भी अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं। मेष राशि के लिए अब मैं आपको बता दूं कि सूर्य के वृश्चिक में जाने से आपको अपना माइंड जितना परेशान 4-5 दिन रह सकता है और बाद में भी अपनी तबीयत को संभालना पड़ेगा और अपने बच्चों की तबीयत को भी संभालना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार से कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, अपने सरकारी दरबारी कामों को ध्यान से करना है। बुध के उदित हो जाने से आप यात्राएं आपकी सुखद हो जाएंगी, पराक्रम आपका थोड़ा सा जागेगा, हालांकि उत्साह है लेकिन तबीयत थोड़ी सी नासाज है और साथ ही में आपके विरोधी जो सक्रिय थे वो अब कम उलाढाल करेंगे। बाकी अगर शुक्र की स्थिति जानू मैं तो पैसे आपके आ रहे हैं, पैसे आपके रुके नहीं हैं, 4 दिन बाद आपको थोड़ा बहुत चिंता हो सकती है फिर पैसों की। और इसके साथ ही आपको अपने विवाहित जीवन के संबंध जो हैं वो ठीक से बना के रखने हैं, इस सप्ताह में कम से कम स्पेस बना के रखनी है। वृषभ राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है शुक्र, वो अभी सूर्य के साथ होने वाला है 4 दिन के लिए, तो महालक्ष्मी का पूजन जारी रखिएगा। उसके बाद वो गुरु का होने वाला है, गुरु के साथ होने वाला है, तब भी महालक्ष्मी का पूजन जारी रखिएगा, अपनी तबीयत
ठीक रखने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। और जो सूर्य महाराज सन्मुख आके आपको देखते हैं तो मन हो सकता है उदास, ऐसे में आपको मैंने पूजा बताई। और अभी बुध के उदित होने से मन भले उदास लेकिन माइंड सही चलेगा आपका, और आप भला सोच पाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपकी वाणी में हो जाएगा। और साथ ही साथ अब जो ये मंगल और बुध साथ आए हैं ना, ये आपको थोड़ा खबरदार करते हैं कि आपके जो विरोधी हैं बहुत सक्रिय, उनसे बचिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, तबीयत खराब ना हो पाए, आपकी मानसिक या किसी बच्चों की तबीयत खराब ना हो पाए, परिवार में कोई बीमार ना हो। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जब जब मंगल के साथ आता है, आप होते हो बेचैन और आपकी तबीयत को नासाज बनाने में ये बहुत ही जल्दी जल्दी काम करता है। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में गणेश जी की आराधना करनी है आपको बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन नहीं। और जो सूर्य महाराज आपकी यात्राओं में व्यत्यय ला रहे थे तुला के नीच के होके, वो बात खत्म हुई, अब आप मुक्त तो हो जाएंगे इस परेशानी से कि तुला में शुक्र परेशान कर रहे थे नीच के होकर। आप आपको राहत मिलेगी माइंड से, जो माइंड परेशान था बच्चों से परेशान था ठीक होगा आप। और गुरु के साथ जब शुक्र खसकेंगे तब की बात तब करेंगे हम, लेकिन फिलहाल आपको करनी चाहिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, और इसके साथ आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब आपके लग्न का स्वामी दो दिन से उच्च का था, अब बेहतर सोच रहे थे आप, बेटर कर पा रहे थे पैसों के लिए, और ये आज 11 बजे तक है तो फ़ायदा उठाइए। इसके बाद ये दो ढाई दिन के बाद आपको फिर एक बार मौका देगा भगवान कि आप दो ढाई दिन और बेटर सोच पाए अपने लिए। लेकिन जो घरेलू कलह क्लेश है उससे बचिए ना, आप कीजिए घरेलू कलह क्लेश, अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अपने हेल्पर्स के साथ ना उलझिए। माइंड जो थोड़ा बहुत जो परेशान होता है पैसों को लेकर या माँ को लेकर तो या सुखों को लेकर, तो वो चार से पाँच दिन में ठीक होगा, लेकिन फिर भी आपको पैसों की चिंता और घरेलू चिंताएँ थोड़ी बहुत तो बनी रहेंगी। सिंह राशि, आपके लिए अब ये मंगल बुध का विचरण यात्राओं में कहता है अपनी दवाई वगैरह लेके चलो, और अपने उत्साह उमंग के लिए और अपने छोटे भाई बहन बहनों के लिए आपको ध्यान रखना है कि उनकी तबीयत भी ठीक रहे। आपको जो घरेलू परेशानियां हैं, आपको जो घरेलू चिंताएं थीं और आपको जो खुद से रिलेटेड चिंताएं थीं वो अब ख़त्म होंगी, आधी अधूरी पूरी नहीं होंगी। आपके लग्नेश हैं सूर्य, वो चतुर्थ में आएंगे और शुक्र से भी मुक्त हो जाएंगे 4 दिन में, लेकिन आपको करना पड़ सकता है किसी कहते हैं ना गुरु का आदेश पालन करना पड़ सकता है, किसी गुरु के शरण में जाइए आप, ताकि आने वाले दिनों में आप शुक्र की गतिविधियों से परेशान ना हो। अभी फिलहाल जो आपका काम है उससे आपको टेंशन ना हो, और किसी भी प्रकार की आपको यात्राओं में परेशानी ना हो, इसका आपको प्रैक्टिकल रहकर सामना करना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब आपसे क्या कहेंगे, आपकी मुक्ति अब मंगल से जल्दी नहीं हो रही है तो बुध की सबसे बड़ा जो उपाय बताया जाता है बुध का, वो ये है कि आप ग्रीनरी पे चलिए, तुलसी के पत्ते खाइए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए और गणेश जी की आराधना कीजिए। 4 से 5 दिन में आपकी शुभ यात्राएँ शुरू हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपकी माता की जो तबीयत खराब है, उनको डायबिटीज़ वगैरह है या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल होकर और दुर्गा सप्तशती के पाठ या काली की पूजा कर अपनी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अस्वस्थ है, बड़े दिनों से चल रहा था ये सिलसिला, बीच में स्वस्थ हुआ और फिर अस्वस्थ होगा गुरु के साथ में, तो 1 से 2 महीना अपने आप को संभालिए आप, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और अभी जो फिलहाल सूर्य की स्थिति है उससे आपके पैसे जो बंद थे वो खुलेंगे, आपके जो अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन मार्क थे कि आपको क्या हो रहा है, तबीयत क्यों खराब है, उससे मुक्ति मिलेगी आपको, पैसों की चिंताओं से तबीयत खराब थी मुक्ति मिलेगी। और मंगल बुध का विचरण लग्न में बेचैन कर सकता है आपको अपने काम के विषय में, या बेचैन कर सकता है प्रेम संबंधों का सिर पे चढ़कर बोलने के विषय में, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, मेडिटेशन कीजिए। वृश्चिक राशि, लग्न में आ गए सूर्य, अब तड़पदार होकर काम करेंगे आप, और आपके काम तो चलेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर कलह क्लेश हुआ
तो क्या होगा, काम से मन हट जाएगा। अब अपना काम बना रहे हो तो वहां स्पेस बना के चलिए और कम बात कीजिए, अपनी बातों से किसी को नुकसान ना पहुंचाइए और कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। और अगर तबीयत खराब है किसी प्रकार से तो लीफी वेजिटेबल्स खा के पेट ठीक करिए, थोड़ा डाइट कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, उससे आपकी तबीयत ठीक होगी। कर सकते हैं आप गणेश जी की आराधना या हनुमान जी की प्रार्थना। धनुराशि, आपके लग्न का स्वामी गुरु स्वस्थ है लेकिन उसे बेचैन करने के लिए अब शुक्र प्रवेश कर जाएगा धनुराशि में आगे। तब तक आपको क्या करना है, आपको महालक्ष्मी की आराधना गुरुवार के दिन करनी है और जो बेचैनी सूर्य महाराज द्वादश में आके देते हैं उससे आपके जितने काम होते हैं उसमें से काम के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं और विदेश रिलेटेड कामों में आपका ध्यान है कि वहां से कुछ काम हो जाए आपका तो वो शायद हो सकता है, लेकिन उसमें भी खर्चा नजर आता है आपको। और अभी फिलहाल काम से रिलेटेड परेशानियां, जस के तस पैसों की परेशानियां बनी हुई हैं। आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शनि, वो अभी द्वादश में ही है, आने वाला है लग्न में। 2 महीने पहले अपनी चाल बदलता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन न भी बदले तो भी आप प्रैक्टिकल रह के अपनी तबीयत का पे सबसे पहले ध्यान कीजिएगा और गुरु के साथ में जो शुक्र का प्रवेश है और जो मंगल और बुध साथ में है, ये सब आपसे कहते हैं कि घर वालों की तबीयत, अपनी तबीयत और ये सब संभालते हुए आप निकल जाएंगे, आप तकलीफों से निकल जाएंगे, ये नज़र आता है मुझे। आपको पैसे भी न मिलेंगे, सरकारी दरबारी कामों में आपके जो काम अटके हुए थे वो भी खुल जाएंगे और इन किन प्रकार आपका ये टाइम निकल जाएगा। फिर भी अपने प्रेम संबंधों में आप उलझिएगा नहीं और चुप्पी बनाए रखिएगा, अगर ज़्यादा कोई बात करे तो आप कम बात कीजिएगा। कुंभ राशि, आपके लिए आपके लग्न का स्वामी अभी जस के तस है और मकर में प्रवेश करके विदेश रिलेटेड काम जब बनाएगा तब बनाएगा। फिलहाल हम कहते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने वैवाहिक जीवन में जो कलह क्लेश था वो खत्म होने जा रहा है, उसका आनंद मनाइए। आपका ध्यान इसलिए रखना है आपको क्योंकि अभी भी शनि केतु के साथ है, तो आपको किसी प्रकार से पैसों की टेंशन जो बनी है लगातार इतने दिनों वो अब खत्म होने जा रही है, तो आप 1-2 महीने का इंतजार कीजिए, इसके बाद काफी रिलैक्स मूड रहेगा आपका। लेकिन फिलहाल तबीयत से रिलेटेड और यात्राओं से रिलेटेड या मैं कहूँ काम से रिलेटेड आपको जितनी परेशानी आएंगी उनको आपको प्रैक्टिकली हैंडल करना है। और आप कर सकते हैं कृष्ण के हरे कृष्णा के जाप, तुलसी के पत्ते खाइए आप हरी सब्जियां खाइए, आप टहलने जाइए ताकि गार्डन में, ताकि आपका माइंड जो है रिलैक्स रहे। मीन राशि, आपके लग्न का स्वामी होने जा रहा है अस्वस्थ शुक्र के साथ में, शुक्र वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। अभी तो सूर्य है वहाँ पर वृश्चिक में, तो किसी प्रकार से आपकी नैया पार लग रही है और गुरु के साथ शुक्र के आने से फिर आपको करने पड़ेंगे महालक्ष्मी के जाप, नहीं तो काम बिगड़ेगा और जब काम बिगड़ेगा तो मन हो सकता है बेचैन। वैसे ये 2 दिन अच्छे गए आपके, यात्राओं में आपको कुछ अच्छा नज़र आया कि आपका कुछ अच्छा होने जा रहा है। और अभी जो आपको सर्दी जुकाम गले से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा फीवर या ब्लड प्रेशर फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी चेकअप कराएं और बिल्कुल इसको निगलेक्ट मत कीजिए, कभी कभी छोटी बात बड़ी हो जाती है। मैं आपको हमेशा ऐसी सलाह देती हूँ जिनकी वजह से आप पहले से ही बचे रहिए और ध्यान रखिए अपना, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होती जो ध्यान रखने से भागती नहीं है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी ब्रह्मा साक्षी के दर्शकों को कि कैसे अपने आप को संतुलित रखें इस स्थिति में और अच्छी स्थितियाँ बनती नजर आती हैं मुझे। आप सबको इसी तरह फिर मिलूंगी प्रभा साक्षी पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।